जितने भी लोगों को आप पत्रिका दिखाते हैं और वो पत्रिका देखकर बोलते हैं कि इसमें पितृ दोष है या मान लो कालसर्प दोष है, और आपने पत्रिका दिखाई और उन्होंने बोला कि इसमें पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, या इस दोष के कारण इसकी उन्नति नहीं हो रही या इसका विवाह नहीं हो रहा या ये कार्य इसके दोष से अटक रहा, निवेदन है एक बार प्रयास जरूर करना महाराज, काले उड़द लेना और काले उड़द को लेकर उन काले मूंग को काली उड़द को जो लेकर उसमें एक आटे का चौमुखी दिया रखिए, चार बत्ती का दिया, उसमें सरसों का तेल डालकर देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर महादेव के मंदिर पर उसको जलाकर भैरव के मंदिर पर ले जाकर उस व्यक्ति को जिसको पितृ दोष परेशान कर रहा हो, कालसर्प दोष परेशान कर रहा हो, मंगल परेशान कर रहा हो या शनि परेशान कर रहा हो या ग्रहों के कारण आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ हो गए, वापिस नीचे आकर खड़े हो गए, व्यापार एक महीना अच्छा चल रहा है फिर वापिस नीचे आ गया, फिर दो महीने चढ़ा फिर नीचे आ गया, उस व्यक्ति को केवल महाराज या फिर भैरव अष्टमी के दिन शंकर भगवान के मंदिर में उस दिए को प्रकट कर जलाकर अपनी कामना कर अपना ही हाथ लगाकर भैरव बाबा के मंदिर में उसको रखवा दीजिए, पर उसके रखने का समय होना चाहिए दोपहर का ठीक 12 बजे, मध्यान्ह का समय, अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत ही उसको रखवा दीजिए, ठीक 12 बजे आप उसको रख। अगर पितृ दोष भी है तो उसमें थोड़ा सुख का आनंद होगा, अगर काल पर दोष भी है, विवाह में देरी हो रही है या व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो उसमें आपको सुख का भान होगा, उसका सुख दोष भगवान पर। महाराज रविवार का यदि प्रदोष पड़ता है, कौन से बार का, रविवार का यदि प्रदोष पड़ता है तो प्रदोष वाले दिन रविवार के दिन शंकर भगवान को दुर्वा 31-31 दुर्वा की 5 गांठ 5 बंडल बनाकर 31-31 दुर्वा के रविवार के प्रदोष वाले दिन जो शंकर को दोपहर के समय पर समर्पित करता है और शाम के समय प्रदोष काल में उठा लेता है, उसको पीस कर जिसके शरीर में पथरी होती है उसको पिला दिया जाता है, 5-7 दिन के अंदर अंदर उसको रोज थोड़ा थोड़ा पिलाते जाओ, खाली पेट पथरी निकलकर बाहर हो जाती है, चाहे वो किडनी में हो चाहे लीवर में हो कहीं पर भी हो, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर जांच कराना, एक्सरे कराना, उसको पहले चेक भी कराना कितनी बड़ी पथरी और कैसी है, या तो डॉक्टर बोल देगा पथरी छोटी हो गई, तो एक बार फिर प्रयास करना, जैसी पथरी की मात्रा कम हो जाए फिर कर लेना एक बार रविवार का पर कर। शिव त्रिकालदर्शी कैलाश भगवान का जो प्रदोष पड़ता है जिस बार पर पड़ता है उस बार का लेख संपूर्ण शंकर भगवान एक एक चीज का व्याख्यान वर्णन करते हैं, एक एक चीज का हमारे यहां शास्त्र वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। अगर शरीर में कहे कि ये गठान कहीं कैंसर की ना हो तो महाराज उसके लिए भी कहा गया कि जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़ता है उस रविवार के प्रदोष वाले दिन सफेद दुर्वा, दुर्वा एक हरी आती है एक सफेद आती है, सफेद दुर्वा जो होती है वो पानी वाले स्थान पर होती है, नदी तालाब कुंड सरोवर बावड़ी कुआं उसके किनारे पर होती है, सफेद दुर्वा मात्र 5 दुर्वा सफेद और 5 सफेद तिल्ली उत्तर भगवान को रवि प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही शाम के समय समर्पित कर प्रदोष काल के अंतर्गत ही उसको पा लिया जाए महाराज, गांठ गलना चालू हो जाती है, फिर ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, गांठ अपना स्थान छोड़ देती है धीरे धीरे गलती करती, भले वो 25 ग्राम की हो 50 ग्राम की हो तो भी गांठ धीरे धीरे गलना चलिए, और हम तो निवेदन करेंगे अगर बाबा जब कृपा करे हैं तो भी शरीर में ऐसा रोग ना आए उसके लिए खा ले, बाबा अगर कृपा करे और कभी योग बन जाए आपको याद रह जाए, हर महा भगवान शिव ओघड़ता नहीं, त्रिकालदर्शी कैलाशी अमीनाशी मेरा शिव। जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है, जो बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हैं, क्रोध बहुत आता हो, कुछ सहनी नहीं कर पाते, बोलने में भान नहीं रहता, कुछ भी कर देते हैं महाराज, उनके लिए स्कंद पुराण लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा गया महाराज, जैसे 5 बेलपत्र की जो डंडी होती है पीछे का भाग है पीछे का, 5 बेलपत्र की डंडियों को शंकर भगवान के दोनों चरणारविंद के अर्थात जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी का जो स्थान है उसके पीछे, मतलब जहां से जल गिर रहा है आखिरी का सिरा उस जगह पर, इन 5 डंडियों को भगवान शिव के ईश्वर महादेव का नाम है, कौन से महादेव, हाटकेश्वर अर्थात जो हटीले महादेव, हाटकेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 डंडियों को किसी भी शिवरात्रि पर उस स्थान पर महीने भर में हर महीने शिवरात्रि आती है उस जगह पर रख दीजिए, और एक लोटा पानी जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो चिड़चिड़ वृत्ति होती हो अपशब्द करता हो ताने देता हो या बहुत क्रोध हो रहा हो घर टूट रहा हो घर में अशांति बहुत हो रही हो उनका नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित कर
जल चढ़ाते समय जितनी डंडियां नीचे गिर जा उतनी डंडी को उठाकर ले आए, भोजन में या वैसे ही पीस कर उन व्यक्ति को, क्रोध आने वाले व्यक्ति को खिला दी जाए महाराज। उसके बाद जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं।